आगामी 2022 का विधानसभा चुनाव होने वाला है और हो ही रहा है और नामांकन 3 तारीख तक हो रहा है। ऐसे में रायबरेली जनपद की बात करें तो जिला प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। मैं आपको बताऊं कि डिग्री कॉलेज चौराहे पर मैं खड़ा हूं और रायबरेली का ये डिग्री कॉलेज चौराहा है और जो भी गाड़ियाँ जो वाहन गुजर रहे हैं उनसे उनकी काली फिल्में हटाई जा रही हैं और वाहनों का चालान भी हो रहा है। नियमता जो फिल्में गाड़ी पर लगी हुई है उससे किसी तरह का अपराध हो सकता है, इसके चलते गाड़ियों की फिल्में उखाड़ी जा रही हैं और वाहनों का चालान भी किया जा रहा है। साफ आपको बता दें कि रायबरेली जनपद की सदर सीट का चुनाव और नामांकन और 6 विधानसभाओं का चुनाव लगातार नामांकन हो रहे हैं, 3 तारीख तक का समय दिया गया। वहीं धारा 144 और 188 की बात करें तो पूरी तरह से उसका पालन कराया जा रहा। हाँ, कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो शायद मास्क को लेकर या और एहतियात बरतने के लिए कोरोना को लेकर कहीं ना कहीं मुस्तैदी शहर में नजर भी आ रही और कहीं भी है भी नहीं। ऐसे में साफ आपको बताना चाहेंगे कि रायबरेली जनपद का चुनाव दिलचस्प खासकर सदर सीट का होने वाला है। ऐसे में जिला प्रशासन की सतर्कता और चुस्त दुरुस्त माहौल को देखते हुए माहौल को बनाने के लिए गाड़ियाँ और जो वाहन गुजर रहे हैं जिनमें काली फिल्में चढ़ी हुई हैं 100% चढ़ी हुई वो उखाड़ी जा रही है और साथ साथ वाहनों का चालान भी किया जा रहा है। आप देख रहे हैं सर UP न्यूज़।